एक शहर में रमेश और शालिनी नाम के पति पत्नी अपनी एक सुंदर सी 10 साल की बेटी दीपा के साथ रहते थे। वे दिखने में बिल्कुल एक परी की तरह थी, झील सी नीली आंखें और दूध की तरह सफेद रंग। वो दिल की बहुत अच्छी थी, वो सभी से बहुत ही प्यार से बात करती थी। आस पड़ोस के लोग दीपा की बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन दीपा अपने पिता से जिद करने लगी, बाबा आज मुझे मेला घुमाने ले चलो ना, सुना है शहर के पास एक बहुत बड़ा मेला लगा है। ओ अच्छा, मेरी बेटी को मेला घूमने जाना है तो अभी चलते हैं, फटाफट से तैयार हो जाओ। तभी वहाँ शालिनी आई और बोली, बाप बेटी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। माँ आप भी तो चलोगी हमारे साथ, आज हम मेला घूमने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद दीपा अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए गाड़ी से रवाना हो गए। मेला पहुंचकर दीपा ने अपने माता पिता के साथ खूब मौज मस्ती की। देखते ही देखते रात हो गई। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उन सबका एक्सीडेंट हो गया। उसी रास्ते से गुजर रहे कुछ लोग फौरन उन तीनों को नजदीकी अस्पताल ले गए। खुशकिस्मती से रमेश और दीपा को तो होश आ गया, लेकिन शालिनी की हालत बहुत ही नाजुक थी। रमेश और दीपा बहुत घबरा गए। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर ने वहाँ आकर कहा, आई एम सॉरी शी इज नो मोर, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर हम आपकी पत्नी की जान नहीं बचा पाए। ये सुनते ही रमेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दीपा भी फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ये डॉक्टर अंकल क्या कह रहे हैं, कह दो ये झूठ है। बेटा अब तुम्हारी माँ नहीं रही। ये कहते हुए रमेश के आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसके बाद रमेश और दीपा नम आंखों से शालिनी का अंतिम संस्कार कर घर लौटे। रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को जब ये खबर पता चली तब सभी बारी बारी उन्हें दिलासा देने आने लगे। रमेश की मौसी सरला ये दुखद खबर सुनते ही दौड़ी चली आई। रमेश बेटा होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बेटा दीपा को अब कौन संभालेगा? हाँ मौसी मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो बस अपनी दीपा बेटी की चिंता खाए जा रही है। मैं काम करने जाऊंगा या दीपा की देखभाल करूंगा? मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले, दीपा बिटिया को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तू बेफिक्र होकर काम पर जा पाएगा। रमेश मौसी सरला की बात मान लेता है। आखिर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर रमेश के लिए एक विधवा औरत बबीता का रिश्ता आया। उसकी एक बेटी भी होती है सुरभि। सुरभि की उम्र महज 10 साल थी। रमेश ने एक मंदिर में कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर बबीता से दूसरी शादी की। जब बबीता अपनी बेटी सुरभि को लेकर घर रहने आई तब मासूम सी दीपा को देखकर बबीता के मन में उसके लिए ममता उमड़ आई। पर जब सुरभि ने दीपा को देखा तो वो उससे जलने लगी, क्योंकि वो उससे बहुत सुंदर थी। बबीता दीपा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती। ये देख सुरभि और भी ज्यादा दीपा से नफरत करने लगी, इसलिए सुरभि दीपा से सीधी मुंह बात नहीं करती थी। पर दीपा सुरभि की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे विश्वास था वो दोनों कभी न कभी प्यार से रहेंगे। जब दीपा और सुरभि दोनों एक साथ स्कूल जाते तब भी स्कूल के सभी बच्चे उनकी तुलना करते कि दीपा सुरभि से ज्यादा सुंदर है और पढ़ाई में ज्यादा होशियार भी थी। ये सुन सुरभि गुस्से से तिलमिला उठी। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुझ जैसी बहन मिली। सुरभि की बात सुन दीपा बहुत उदास हो गई। फिर एक शाम जब दीपा कमरे में सो रही थी तो वो कैंची लेकर दीपा के पास गई और उसके बाल काटने लगी। तभी दीपा नींद से जाग गई। अरे ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बाल क्यों काटे? तुझे अपने बालों पर बहुत घमंड था ना, ले मैंने तेरे सारे बाल काट दिए, अब तेरा घमंड चकनाचूर हो गया। पीछे से बबीता ने सारी बातें सुन ली और सुरभि को डांटने लगी। ये देख दीपा बोली, माँ अब सुरभि को मत डांटिए, बाल ही तो है फिर आ जाएंगे। देख अपनी बहन को, कुछ सीख कितनी समझदार है। ये सुन सुरभि गुस्से से तिलमिलाते हुए वहाँ से चली गई। फिर एक सुबह स्कूल जाने के लिए सुरभि तैयार हो चुकी थी, वहीं दीपा अपने बालों में कंघी कर रही थी। बाल तो ऐसे सवार रही है जैसे दुनिया में सबसे सुंदर यही है, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। ये कहते हुए सुरभि स्कूल बैग लेकर अकेली ही स्कूल जाने के लिए निकली। दीपा भी पीछे पीछे स्कूल पहुंची। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन सुरभि जंगल की ओर जाने लगी। ये देख दीपा उसे रोकते हुए बोली, सुरभि ये तुम जंगल की ओर क्यों जा रही हो, चलो घर चलते हैं।
नहीं, मुझे जंगल घूमने जाना है, तू जा यहाँ से। बड़ी आई मुझ पर रोक टोक करने वाली। ये कहते हुए सुरभि जंगल के अंदर चली गई। सुरभि जंगल में घूम ही रही थी कि तभी सुरभि को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरभि ने देखा एक भयानक जंगली कुत्ता गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सुरभि बुरी तरह डर गई। जंगली कुत्ता सुरभि पर हमला करने वाला ही था कि तभी जंगली कुत्ते पर एक मोटे डंडे का जोरदार वार हुआ। कुत्ता काई काई करते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तभी सुरभि ने देखा हाथ में डंडा लिए वहाँ दीपा खड़ी थी। सुरभि दौड़ते हुए दीपा के गले लगकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो दीपा, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अब रोना बंद करो और घर चलो, माँ परेशान हो रही होंगी। उस दिन से दीपा और सुरभि के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों प्यार से रहने लगी, हमेशा एक दूसरे के साथ रहती, एक साथ खाना खाती और एक साथ सोती। उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सगी बहनें हैं या सौतेली। ऐसी ही हंसी खुशी प्रेम से उनके दिन बीत रहे थे। सुरभि और दीपा वक्त के बीतने के साथ अब बड़ी हो चुकी थी और उन दोनों के बीच का प्रेम भी अटूट था। उन दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। रमेश और बबीता अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन, बबीता, देखते ही देखते समय कितनी जल्दी बीत गया, दीपा और सुरभि बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। हाँ, अब हमें दोनों के हाथ जल्द ही पीले कर देने चाहिए। पहले हमें दीपा बिटिया के लिए लड़का ढूंढना चाहिए, उसके बाद सुरभि बिटिया के लिए दूल्हा ढूंढेंगे। इतने में वहाँ दीपा और सुरभि आई और बोली, माँ हमारी शादी एक घर में करना, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह पाऊंगी। हाँ माँ, मेरी शादी भी वहीं करना जिस घर में दीपा दुल्हन बनकर जाएगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ये कहते हुए दोनों बहनें अपने अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, कैसे मिलेंगे इन दोनों के लिए लड़के, एक ही घर में दोनों की शादी कैसे करवाऊं? आप चिंता मत करो, मैं विमला काकी से कहकर अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ। भगवान ने चाहा तो एक साथ ही दोनों बेटियों की डोली एक ही घर में जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद एक सुबह उनके घर एक रिश्ता आया। सुमित्रा नाम की एक औरत अपने दो लड़कों के साथ उनके घर आई। रमेश और बबीता ने मिलकर उनकी आवभगत की। वहीं सुमित्रा को भी सुरभि और दीपा पहले ही नजर में भा गई। आपकी दोनों बेटियां तो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ संस्कारी भी हैं। मुझे आपकी दोनों बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। आपने ये कहकर हमारी सारी चिंता दूर कर दी। बहन जी, रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन आपने बताया नहीं आपको दहेज में क्या चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। बस आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस तरह दोनों की शादी तय हो गई। वहीं सुरभि और दीपा ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश थी कि दोनों की शादी एक ही दिन और एक ही घर में होगी। सुरभि, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक ही दिन दुल्हन बनेंगी। हाँ दीपा, और उससे भी बड़ी बात, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। ये कहते हुए दोनों आपस में बातें करते हुए मुस्कुराने लगी। सुरभि और दीपा के माता पिता शादी की तैयारियों में जुट गए। घर पर खुशी का माहौल था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शादी के दिन सभी सुबह सुबह रस्मों में व्यस्त हो गए और दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस बारात आने का इंतजार था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दुल्हन के लिबास में सुरभि काफी थक गई थी। उफ, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं चलकर कुछ देर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ, बारात आने में तो अभी एक घंटा बाकी है। ऐसा कहकर सुरभि अपने कमरे में आराम करने चली गई कि तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके कमरे में अचानक आग लग गई। ये देख चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया। देखते ही देखते कमरे में आग की लपटें बढ़ गई। अपनी बहन को मुसीबत में देख दीपा अपनी जान की परवाह किए बिना कमरे में कूद गई। दीपा, तुम आ गई, मेरी बहन। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी से कंबल ओढ़ लो। ये कहते हुए दीपा ने सुरभि के ऊपर कंबल डाला और आग की लपटों से बचाते हुए उसे सही सलामत बाहर तो ले आई, लेकिन खुद आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गई। दीपा मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया, आंखें खोल दीपा, तुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सुरभि ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और दीपा को अस्पताल ले गई। दीपा की हालत बहुत ही नाजुक थी। उन दोनों के माता पिता अपनी बेटी दीपा की हालत देख रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, शादी के दिन ये कैसा अनर्थ हो गया।
ये कहते हुए बबीता रोने लगी और वहीं रमेश चिंता में पड़ गया और वहीं दीपा जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन वो हार गई। दीपा चल बसी ये खबर सुनने के बाद सब रो पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा दुख सुरभि को हुआ। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी सुमित्रा भी अपने दोनों बेटों को लेकर वहाँ पहुँची। सुमित्रा बबीता को संभालने लगी, वहीं सुमित्रा के दोनों बेटे रमेश को। लेकिन सुरभि को संभालने वाला कोई नहीं था। इतने में सुमित्रा ने कहा, ऐसी अनहोनी होगी किसको पता था, आज शादी रोक देते हैं। तब अचानक से सुरभि बोल उठी, नहीं ये शादी होगी, हम दोनों की इच्छा थी, हम एक साथ दुल्हन बनकर एक ही घर में जाएंगे, एक साथ दोनों की डोली तो नहीं जा पाई, इसलिए मेरी डोली और दीपा की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी, नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगी। ये सुन रमेश ने रोते हुए कहा, ठीक है दोनों एक साथ ही घर में जाएंगे, उसके बाद ही मेरी बेटी दीपा का अंतिम संस्कार होगा। रात को सुरभि आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप में बैठ गई और दीपा का मृत शरीर को थोड़ी दूरी पर रखा गया। सुमित्रा के बड़े बेटे सौरभ के साथ सुरभि की शादी हो गई और वो जाकर डोली में बैठ गई। चार लोगों ने मिलकर सुरभि की डोली को कंधे पर उठाया और चार लोगों ने मिलकर दीपा की अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। ये देखकर बबीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। अर्थी और डोली को एक साथ जाते हुए देख रही थी। ऐसे ही रोते रुलाते हुए डोली और अर्थी सुमित्रा के घर पहुंच गई। दीपा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद दीपा का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसुओं से उसे विदा किया। वहीं सुरभि ने दीपा की यादों को मन में बसाकर ससुराल में अपना कदम रखा और अपना वैवाहिक जीवन की शुरुआत की।